बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर रखा हुआ है। ये एक नया स्टेबलाइजर हम असेंबल कर रहे हैं, तो इसमें हमने बॉडी में सारा सामान फिट कर रखा है, क्योंकि अगर हम सारा सामान फिट करने बैठेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हमारा खराब होगा। तो हमने इसमें सारा सामान फिट कर लिया है। जैसे आप देख सकते हैं, MCV, वोल्ट मीटर, ट्रांसफार्मर, रिलेज वगैरह सब ज़्यादातर हमने सामान इसमें इंस्टॉल कर लिया है, ताकि हमारा समय बचे। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम इसके कनेक्शंस करेंगे, कैसे इसकी सेटिंग करेंगे, इसमें कौन सा सर्किट यूज़ करेंगे, कितना हमने रिले यूज़ किए हैं, इसमें कितने MA के रिले यूज़ किए हैं, और जो जो पार्ट्स वगैरह हमने यूज़ किए वो सब बताएंगे। तो देखते रहिए, हमारा वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। पहले बात करते हैं इन्वर्टर के फ्रंट पे जो सामान लगा हुआ है। तो देखिए, हमने इसमें एक MCV यूज़ की है, इसकी कैपेसिटी है 25 एम्पियर, और ये एक वोल्टमीटर हमने यूज़ किया है 0 से लेकर 300 वोल्ट तक का, यानी सिंगल फेज का वोल्टेज स्टेबलाइजर है। मैंने रेंज आपको बताई थी 60 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक इसकी इनपुट रेंज है, जिसमें ये आउटपुट 200 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट के बीच में देता रहेगा। और देखिए, हमने एक स्विच यूज किया है इनपुट और आउटपुट देखने के लिए, मीटर के लिए है। अब आ जाते हैं इसके अंदर की साइड में। तो हमने देखिए, पहले तो एक मेन ट्रांसफार्मर यूज किया है, जो कि बता रखा था आपको 60 वोल्ट से है, ये 7 नंबर कोर में बना हुआ है। अब इसके अलावा हमने इसमें देखिए 5 रिले यूज की है, आपको दिखाते हैं सही से। इसमें 5 रिले यूज की हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5 रिले हमने यूज की हैं। तो ये 5 रिले कैसे वर्क करेंगे वो भी आपको बता देते हैं, जैसे पहले आपको पीछे दिखाएंगे। देखिए, इसमें हमने ST3 यूज किया है इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के लिए, ताकि इधर से न्यूट्रल ऑफ फेज इनपुट का इसके अंदर करंट जाएगा और इधर से आउटपुट हमारी बाहर निकल आएगी। अब बात करते हैं इसमें जो हमने रिले यूज की है, रिले हम जितनी यूज कर रहे हैं इसमें 25 एम्पियर 24 वोल्ट से ऑपरेट होने वाली रिले, इसमें हमारी 4 रिले वर्किंग रिले हैं, 1, 2, 3, 4, ये 4 रिले हमारी वर्किंग रिले हैं, यानी ऑपरेटिंग रिले हैं। इससे स्टेबलाइजर के वोल्टेज ऑपरेट होंगे। और ये जो 5वीं रिले है, ये इसकी हाई कट और टाइमर के लिए है, यानी ये रिले हमारी हाई कट और टाइमर पर वर्क करेगी। तो चलिए, अब इसके ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस के बारे में कुछ आपको बता देते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर में हमने ये इसमें लूप इसके बताते हैं कितनी लूप्स इसमें से निकली हैं। देखिए, पहली लूप तो इसकी न्यूट्रल की निकली हुई है, जो कि कॉमन वायर रहता है। सबसे अंदर ट्रांसफार्मर से जो लूप निकलती है वो न्यूट्रल की लूप कहलाती है। और न्यूट्रल के अलावा इसमें हमारे वायर निकले हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 लूप इसमें से निकली हैं। अब इन 5 लूप को कैसे हम कनेक्ट करेंगे रिले पर, किस तरीके से, और फिर ये देखिए जो आप देख रहे हैं ये पतला वाला वायर हमने यूज किया है, ये वायर कैसे यूज किया है, तो वो भी आपको बताते हैं। तो इसके लिए मैं आपको डेमो के तौर पर एक रिले देखिए अलग से निकाली है मैंने, तो इसमें आपको कनेक्शंस भी समझा दूंगा, और आपको जो हमारे हमने जो ये रिले पर कनेक्शंस किए हैं इसके बारे में भी आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो चलिए, आपको इस रिले की मदद से समझाते हैं। इसके लिए पहले हमें रिले को खोलना होगा, ताकि आप आसानी से समझ सकें। देखिए, इसी तरह की रिले हमने इसके स्टेबलाइजर के अंदर भी यूज की है। तो देखिए, रिले खोलने पर कुछ इस तरह से नजर आती है। अब देखिए, ये रिले की एक कॉइल होती है, इसमें जो पतले पतले दो वायर निकलते हैं कॉइल से, और वो वायर हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, रिले के दो पॉइंट्स बन जाते हैं, कॉइल के वायर कहलाते हैं। अब इसके अंदर सर्किट से करंट पहुंचता है, DC करंट, तो फिर ये मैग्नेट बनती है और रिले हमारी ऑन होती है। और जब यहाँ पर करंट आना बंद होता है, रिले की मैग्नेट बनना बंद हो जाती है, तो रिले हमारी ऑफ हो जाती है। अब ये देखिए, ये रिले आमतौर पर, और ये एक वायर निकला हुआ है, ये वायर यहाँ पर कनेक्ट है, तो ये हमारा पोल का या फिर कॉमन वायर कहलाता है, कॉमन पॉइंट कहलाता है रिले का, कॉमन हो गया, हम इसे पोल भी बोलते हैं। यहाँ से एक वायर आता है, रिले की पत्ती पर कनेक्ट रहता है, और यहाँ से रिले हमारी ये ऊपर वाले पॉइंट पर कनेक्ट हो जाती है, तो इसे हम नॉर्मली कनेक्टेड या फिर NC पॉइंट बोलते हैं। ये हमारा NC पॉइंट हो गया, गौर कीजिएगा इस बात पर। और जो नीचे वाला हमारा पॉइंट है, ये इस पर रिले अभी कनेक्ट नहीं है, जब रिले ऑन होगी तब इस पर कनेक्ट होगी, तो करंट हमारा जो पोल्स के थ्रू आता है वो यहाँ की बजाय यहाँ पर आ जाएगा, यानी ऊपर वाले पॉइंट की बजाय इस वाले पॉइंट पर आ जाएगा, तो ये हमारा NO पॉइंट कहलाता है। अब इसे कनेक्शन बता देते हैं। अब देखिए, हमारी जितनी भी रिले हैं, ये 5 रिले हमारी, 5 रिले का हम एक एक वायर हमने कॉमन कर रखा है कॉइल का, जितनी भी रिले हैं सब पर हमने एक वायर कॉमन कर लिया है कॉइल पर, और एक एक वायर हमने सेपरेट निकाला है, तो आपको दिखा देते हैं वो भी। ये देखिए, ये वायर सभी रिले पर एक कॉमन है, सब पे सोल्डर कर रखा है, और एक एक वायर ऐसे सिंगल वायर निकला हुआ है। ये तो सर्किट के लिए वायर हो गए। अब इसके बाद जो हमारा कनेक्शन करने हैं हमें, तो हम इनपुट रिले से स्टार्ट करेंगे, जो पहली रिले है।
तो यहाँ पर जो उसका पोल है, पोल पर हम इनपुट रिले का फेस, जो हमारा इनपुट का फेस आ रहा है एमसीबी के थ्रू, वो हम इसके कॉमन या फिर पोल पर कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, ये हमने रिले के इनपुट रिले के पोल पर ये हमारा मेन लाइन का जो इनपुट आ रही है एमसीबी के थ्रू हमने कनेक्ट कर रखी है। इसके बाद में आते हैं हम इसके एनसी वाले पॉइंट पर। तो हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर का पहला वायर कनेक्ट कर रखा है, जो कि आपको दिखा दें। देखिए, जो हमारा न्यूट्रल के बाद वायर निकला है वो ट्रांसफॉर्मर का पहला वायर कहलाता है, पहली लूप कहलाती है। हमने एनसी पर कनेक्ट कर रखा है इनपुट रिले के। उसके बाद देखिए, ये आती है हमारी इनपुट टू रिले, ठीक है। तो हमने जो ट्रांसफॉर्मर का दूसरा वायर निकला है, दूसरे नंबर का वायर, वो हमने इसके एनसी वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर रखा है, देख लीजिए। इसी तरह से अब आते हैं हम इसके ट्रांसफॉर्मर के तीसरे वायर पर। जो हमारी इनपुट थ्री रिले है उस पर हम इसे एनसी पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, एनसी पर कनेक्ट कर देंगे इसे। और इसके बाद जो आता है हमारा चौथा वायर, चौथा वायर हम जो हमारी आउटपुट रिले है चौथे नंबर की रिले, उसके एनओ वाले पॉइंट पर हम इसे कनेक्ट करेंगे, जो चौथा वायर है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। और इसके बाद में ये बचा हमारा पांचवा और आखिरी वायर। इसकी पहचान ये होती है कि ये सिंगल वायर होता है। हम इसे आउटपुट रिले के एनसी और इनपुट थ्री रिले के एनओ पर कनेक्ट करेंगे। देखिए, एक वायर हमने निकाल रखा है, ये वायर हमने ज्वाइंट करने के लिए निकाल रखा है, इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे अच्छे से। और ये भी देख लीजिएगा, बाकी ये जो पॉइंट्स हमारे बचे थे इसके बारे में आपको नहीं बताया अभी। तो जो हमारी इनपुट रिले है, इनपुट रिले, उसके एनओ वाले पॉइंट से ये वायर निकलकर हमारा इनपुट टू रिले के कॉमन पर आ जाएगा, कॉमन या फिर पोल कुछ भी बोल सकते हैं आप। इसी तरह से इनपुट टू रिले के एनओ वाले पॉइंट से एक वायर निकलकर हमारा इनपुट थ्री रिले के कॉमन पर आ जाएगा, पोल पर, ठीक है। तो इस तरह से ये रिले के वायर, रिले के जितने कनेक्शन हैं सब ये परफेक्ट हो गए। अब इसे एक बार टाइट कर देते हैं, फिर इसके बाद में हम इसमें सर्किट के बारे में बताएंगे, जो सर्किट हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। तो पहले हम इसमें कनेक्शन कर देते हैं, फिर उसके बाद में सर्किट लगाएंगे और फिर सर्किट के बारे में भी आपको बताएंगे। हम इसमें ये सर्किट यूज करने वाले हैं। अभी तक ये सर्किट आपने हमारे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, हमने अभी तक आपको केवल डबल फेस के वोल्टेज सिस्टम में सर्किट यूज करके दिखाया है, बट आज हम इस सर्किट को सिंगल फेस के वोल्टेज स्टेबलाइजर में यूज करके बताएंगे कि किस तरीके से वर्क करेगा। देखिए, हमने इसमें स्टेबलाइजर में पांच रिले यूज कर रखी है, आपको बताया था, तो इसमें भी पांच रिले का ये ऑप्शन दे रखा है। सब देखिए इसमें दे रखा है, ये कट यानी कट वाले रिले के लिए, आउटपुट रिले के लिए है, इनपुट वन, इनपुट टू, इनपुट थ्री, कॉमन, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और देखिए, यहाँ पर हमारी इनपुट सप्लाई आएगी तकरीबन 20 से लेकर 24 वोल्ट के बीच में, हम यहाँ पर इनपुट सप्लाई देंगे सर्किट को ऑपरेट करने के लिए, जो कि हमारे ट्रांसफॉर्मर के थ्रू मिलेगी। हमें इसमें किसी तरह का कोई 909 या 1212 या कोई भी ट्रिगर ट्रांसफॉर्मर लगाने की जरूरत नहीं है। जो इस सर्किट की खासियत है कि हमें इसमें अलग अलग रिले को सेट करने के लिए अलग अलग प्रीसेट बार बार सेट नहीं करना पड़ते। इसमें देखिए, केवल एक ही प्रीसेट दे रखा है, हम इस प्रीसेट को एक ही बार सेट करेंगे। इससे हमारी सारे रिले के जितने भी फंक्शंस हैं सब एक ही बार में सेट हो जाएंगे, हमारा हाई कट सेट हो जाएगा और टाइमर वगैरह सब कुछ इसी से सेट हो जाएगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान सर्किट है, बहुत अच्छा सर्किट है। तो अब इसे इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद इसे चेक करते हैं कि इसका कैसा कनेक्शन कर लिए हैं, जैसे आपको बताए थे। ये देखिए, हमारी इनपुट सप्लाई जो कि ट्रांसफॉर्मर के थ्रू आ रही है, और बाकी जितने भी रिले हैं उन सब रिले कनेक्शन आपको बता रखे थे, इस पर प्लेट पर लिखे हुए भी है। तो फिर अब हम इसे चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए देखिए, एक इसकी आउटपुट पर हमने ये वोल्टमीटर लगा रखा है ताकि देखने में समझने में आसानी रहे। डिमर पर लगाकर चेक करते हैं, ऑन करते हैं डिमर को, जीरो से स्टार्ट करेंगे, वोल्टेज बहुत धीरे धीरे बढ़ेंगे। अभी देखिए, हमने इसे तकरीबन 60 वोल्ट इनपुट दे दी है। तो देखिए, अभी इसने आउटपुट नहीं निकाली है क्योंकि इसका टाइमर वर्क कर रहा है। अभी जब इसका टाइमर ऑन होगा तो हमारा ये स्टेबलाइजर आउटपुट बाहर निकालेगा। अगर हमें जल्दी करना है, देखिए स्टार्ट हो गया। वैसे अगर हमें जल्दी करना होता तो देखिए, ये रिसेट स्विच का ये एक जैक दे रखा है, अगर हम इसे यहाँ पर शॉर्ट करेंगे या फिर कोई स्विच वगैरह यहाँ पर लगा देंगे तो फिर हमारा जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज ये हमारा 30 से लेकर 45 सेकंड के बीच में खुद ही स्टार्ट हो जाता है। देखिए, अब वोल्टेज बढ़ाएंगे हम थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, सारे स्टेप्स इसके अच्छे से आ रहे हैं, सेट करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी सेटिंग पड़ रही है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आउटपुट ये 250 वोल्ट पर हमें कट करनी चाहिए बट ये 230 पर ही कट कर रहा है। हल्की सी हम सेटिंग कर देंगे, देखिए एक ही प्रीसेट की सहायता से सेटिंग होगी, इसी से हम सेट करेंगे, तो इससे सारे स्टेप्स हमारे खुद ब खुद सही हो जाएंगे।
ये देखिए स्टेप्स इसके परफेक्ट हो गए हैं, 200-250 वोल्ट के बीच में ये वर्क कर रहा है। अब आपको इनपुट वोल्टेज भी दिखा देते हैं, स्टेबलाइजर को सामने से सीधा करके आपको इसके इनपुट वोल्टेज भी दिखा देंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए इस मीटर में हमें आउटपुट देखने को मिलेगी और इस मीटर में हम आपको इनपुट वोल्टेज दिखाते हैं। ये अब आपको अच्छे से दिखाई पड़ेंगे दोनों मीटर। अब देख सकते हैं इसमें इनपुट और उसमें आउटपुट। ये देखिए इनपुट हमने इसमें 60 वोल्ट दे दिया है, आउटपुट ही हमारा 200 वोल्ट निकाल रहा है। अब देखते हैं ये हमारा ये मीटर इनपुट दिखाता रहेगा और ये ऊपर वाला आउटपुट दिखाता रहेगा। देखो दोस्तों ये स्टेबलाइजर हमारा बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है इसकी। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, ये हमारा सर्किट कैसा लगा, ये हमारा स्टेबलाइजर कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय हो हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा।